सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। खतरनाक तूफान बिपरजोए की भारत दस्तक, सूबे धारा 144 की गई लागू, लोगों को चेतावनी जारी। यूके तो वड्डी खबर, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखी अवतार सिंह खंडा की मौत, खंडा पिछले कई दिनों तो चल रहा बीमार। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन मिले जेपी नड्डा, कैप्टन के निवास स्थान से हुई मुलाकात, परनीत कौर ते जयेंद्र कौर भी रहे मौजूद। चक्रवाती तूफान बिपरजोए तबाही मचाउण लई तैयार है, हुणे बहुत जल्द भारत च वी दस्तक दे सकदा है। बिपरजोए नूं लै के कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया होया, खास तौर पर जेकर गुजरात की गल की जाए तो उत्थे डर का माहौल कुछ ज्यादा बनिया होया। इसके चलदे धारा 144 भी लागू की गई है। दस दिए कि स्कूलों, कालजा, मंदिरों, दफ्तरों च धारा 144 लागू कर दी गई है, तो चार तो वध लोगों के इकट्ठे होने पर मनाही है, क्योंकि बिपरजोए तूफान की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस नाल नजिठण लई सरकारां ते उच्च अधिकारियों वालों बैठकां भी कीतियां जा रही ने। तुहानूं दस दिए कि NDRF दीयां टीमां भी तैनात कर दित्तियां गईयां ने, तां जे कोई अनसुखावी घटना वापरदी है तां उस तों समें सिर नजिठिया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा च वड्डी कुताही सामने आई। जदों सीएम नीतीश अपनी रिहायश तो बाहर आ रहे सन, उस समय सीएम की सुरक्षा नूं तोड़न वाले कुछ बाइक सवार उन्हां दी कार दे विचकार आ गए, जिस तों बाद सीएम नीतीश कुमार ने फुटपाथ ते छाल मार के अपनी जान बचाई है। इस घटना तो बाद प्रशासन के होश उठ गए ने। सीएम ने SSD कमांडेंट ते पटना के SSP नूं अपने घर सद्दे, इन्हां लोकां नाल सीएम की मीटिंग चल रही है। यूके तो एक वड्डी खबर सामने आ रही है। जानकारी मुताबिक लंडन विच भारतीय हाई कमिशन विच 19 मार्च की हिंसा के मुख साजिशकर्ता ते अतवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखी अवतार सिंह खंडा की बर्मिंगम के सैंडवेल हस्पताल विच मौत हो गई है। खंडा कुछ दिनों तो सख्त बीमार सन, सिटी हस्पताल विच जेरी इलाज से। सूत्रों मुताबिक खंडा नूं कैंसर की बीमारी सी, जो उसकी मौत की कारण बनी दसी जाती है। खालिस्तानी अतवादी अवतार सिंह खंडा, जो कि अमृतपाल के करीबी रह चुका है, यूके विच शकी हालत में जहर दिता गया। खंडा उही अतवादी है जिसने अमृतपाल 37 दिनों तक लुकन विच मदद की। खंडा अमृतपाल का काफ़ी करीबी रहा। जिक्रयोग है कि अवतार सिंह खंडा ने लंडन विच भारतीय हाई कमिशन विच भी भानतोड़ की सी, ते लंडन स्थित भारतीय दूतघर के बाहर तिरंगा उतारण के रूप में भी खंडा नूं गिरफ्तार किया गया सी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा ते मीत प्रधान सुदान सिंह ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल उन्हां दे निवास स्थान ते मुलाकात की है। इस दौरान उन्हां वालों पंजाब नाल संबंधित मुद्दों ते चर्चा की गई। इस मौके ते साबका MP पटियाला परनीत कौर, राणिंदर सिंह ते बीबा जयेंद्र कौर भी मौजूद सन। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मीडिया सलाहकार भारतेंद्र सिंह चहल आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले विच पटियाला विजिलेंस दे अगे पेश होई। कई बार इन्हां नूं समन जारी किए जाण दे बावजूद भी इन्हां वल्लों सेहत दा हवाला दिंदे होए हर वार विजिलेंस नूं टालिया जा रहा सी। इस तों बाद हुण भारतेंद्र सिंह चहल विजिलेंस दे दफ्तर पहुंचे ने। दस दिए कि पिछली सरकार वल्लों भारतेंद्र सिंह चहल ते जनतक मुकदमा दर्ज होया सी, ते उस तों बाद हुण फिर दोबारा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे विच जदों कैबिनेट रैंक दिता गया तां उन्हां ते सुरक्षा बलां दे विच हेरफेर ते आमदन तों वध जायदाद बनाउण दे दोष लगे ने, जिस दी जांच विजिलेंस वल्लों कीती जा रही है।
फाजिलका तो विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना दे नौजवान उद्योगपति करण गिलहोत्रा ने पिंड राणा विखे लखां रुपया दे वख-वख विकास कार्यां दी शुरुआत करवाई। नौजवान उद्योगपति करण गिलहोत्रा ने विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना दा धन्नवाद करदिआं कहा कि उन्हां दे पिंड दीआं जरूरतां नूं समझदिआं विधायक ने पंचायत घर दे नवनिर्माण ते राणा तों मियानी बस्ती तक लिंक रोड ते इट्टां दा खड़वंजा लगाउण दी शुरुआत कीती है। नौजवान उद्योगपति करण गिलहोत्रा ने कहा कि पिंड विच उन्हां दे दादा सुरगवासी मुंशी राम गिलहोत्रा दी कई अमिट यादां जुड़ियां होईआं ने। उत्थे उन्हां दे पिता संदीप गिलहोत्रा ने भी पिंड दे विकास कार्यां विच योगदान पाया। पंजाब दे फिरोजपुर दे बारके सरहद पिंड नेड़े एक एनआरआई महिला नू सरहद पार करके पाकिस्तान विच घुसपैठ करदे हुए बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। तलाशी लैन ते उस कोलों जीरकपुर दा पासपोर्ट ते आधार कार्ड बरामद होया। दरअसल औरत उज़्बेकिस्तान दी रहण वाली है। बीएसएफ ने महिला नू जांच लई पुलिस दे हवाले कीता। बीएसएफ दे जवानां ने जदों उक्त औरत नू फड़िया ते पुछगिछ करन दी कोशिश कीती तां औरत दी भाषा नहीं समझ सके। औरत नू अंग्रेजी ते हिंदी नहीं आउंदी। औरत उज़्बेकिस्तान दी रहण वाली है। पासपोर्ट ते उसदा नां ओजोदा पुत्री ईरो सोवना लिखा होया है। प्राप्त हुए आधार कार्ड ते पता फ्लैट नंबर 108 सवित्री ग्रीन सोसायटी गायपुर रोड जीरकपुर पंजाब लिखा होया। नशे की पूर्ति लई रिश्तियां नूं तार तार करदी खबर जिला फतेहगढ़ साहब दे अमलोह तो सामने आई, जिथे एक पोते वालों अपनी ही दादी दा कतल कर दिता गया। उसने दादी दे पहने हुए सोने दे गहने उतार के कतल दी वारदात नूं अंजाम दे के लाश नूं खेतां विच सुट दिता, जिस नूं रस्ते च लंघदे राहगीरां ने सोशल मीडिया से पा दिता, जिस तों दादी दी पहचान हो सके। उधर पुलिस ने कातल नूं गिरफ्तार करके चोरी किए सोने के गहने मोबाइल फोन से वारदात विच वरती कार नूं भी बरामद कर लिया। डीएसपी अमलोह जंगजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदे दस्सिया कि रणवीर सिंह नशे करन दा आदी है, जिसने नशे की पूर्ति लई हरमिंदर कौर का कतल किया। इस दे नाल ही पुलिस ने एक होर मामले विच बाजार विच एक व्यक्ति ते तलवार नाल हमला करन वाले निहंग नूं भी गिरफ्तार कर लिया। जिला फतेहगढ़ साहब के सनयती शहर मंडी गोबिंदगढ़ विच इक भट्ठी विच धमाका होने कारण 6 मजदूर जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी अनुसार मंडी गोबिंदगढ़ के पिंड कुंभ विच स्थित रामजी फरनैश विच भट्ठी विच लोहे नूं पिघलाउण दा काम चल रहा सी, जिस दौरान भट्ठी विच उबलन कारण गर्म लोहा मजदूरां ते डिगण कारण 6 मजदूर गंभीर जख्मी हो गए। फरनैश मालक वालों 3 गंभीर जख्मी मजदूरां नूं लुधियाणा के सीएमसी हस्पताल विच दाखिल करवाया गया, जदों कि 3 मजदूरां नूं मंडी गोबिंदगढ़ के निजी हस्पताल च भर्ती करवाया गया। इस मामले विच स्टेशन इंचार्ज आकाश दत्त ने कैमरे के सामने बोलने तो इनकार कर दिता। कैमरे तो बिना जानकारी देते हुए स्टेशन इंचार्ज अकेश दत्त ने दसिया कि उन्होंने को सिर्फ 3 मजदूरों के जख्मी होने की सूचना है। जख्मी मजदूरों के परिवारक मैंबरों के बयान से केस दर्ज करके बनती कार्रवाई की जाएगी। नंगल विखे कामरेड सुरजीत सिंह की अर्दी अगवाई हेठ उन्होंने लोगों ने जोरदार रोस मुजहरा किया, जिन्हों के नीले कार्ड रद्द कर दिए गए ने। लोगों वालों तहसील दफ्तर के बाहर सूबा सरकार खिलाफ नारेबाजी करदिया तहसीलदार विवेक निर्मोही राही सूबा सरकार को मांग पत्र दिता गया। मांग पत्र में जिन्हों लोगों के नीले कार्ड रद्द किए गए ने उन्होंने बहाल करने की मांग की। तेलंगाना च एक तेलुगु फिल्म निर्माता के पी चौधरी नूं नशीले पदार्थों की समगलिंग के दोष हेठ गिरफ्तार किया गया। उस कोलों 80 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। साइबराबाद पुलिस ने दसिया कि खास सूचना से पुलिस की एक टीम ने राजेंद्र नगर थाना खेत्र तो चौधरी नूं उस समय गिरफ्तार किया जदों वो कथित तौर पर कोकीन वेचण की कोशिश कर रहा है। उस कोलों 90 पैकेट बरामद हुए हैं, जिन्हों का भार 82.75 ग्राम है। पुलिस ने उसके कब्जे चों 2 लाख रुपए की नकदी, 4 मोबाइल फोन ते 4 पहिया वाहन भी बरामद किया। पुलिस अनुसार तेलुगु फिल्म कबाली का निर्माता चौधरी 2 तेलुगु फिल्मा ते तमिल फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर भी सी। आस्ट्रेलिया के सबका कप्तान रिकी पोंटिंग का दिल्ली कैपिटल्स के इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले सीजन च 9वें स्थान पर रहने के बावजूद मुख्य कोच वजो बने रहना यकीनी है।
टीम दे सह मालक पार्थ जिंदल ने अजिहे संकेत दिते ने अटकलां चल रही सन कि टीम के खराब प्रदर्शन तो बाद पोंटिंग अस्तीफा दे सकदा, पर जिंदल ने ट्विटर से सारे शंकियां नूं दूर करदे ऐलान किया कि क्रिकेट के निर्देशक सौरव गांगुली ते पोंटिंग थिक टेंट का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सकिया कि पोंटिंग नूं उन्हां दी पसंद का सपोर्ट स्टाफ मिलेगा या नहीं। पंजाब दे मोहाली च एक बिल्डिंग दे बेसमेंट दी खुदाई दा काम चल रहा सी, इस दौरान पार्किंग एरिया धस गया। पार्किंग एरिया धसन कारण 10 बाइक ते एक कार मलबे हेठां दब के खुशकिस्मती नाल हादसे दे समय पार्किंग खेतर विच कोई भी मौजूद नहीं सी, सिर्फ वाहन खड़े सन। इस तों बाद घटना दी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नूं दित्ती गई। सूचना मिलदिआं पुलिस मौके ते पहुंची ते प्रशासनिक अधिकारियों नूं सूचित किया। जेसीबी मशीनां नाल मिट्टी कढ़न दा काम शुरू किया गया ते हुण मिट्टी हटा के रस्ता बना के वाहन नूं बाहर कढ़न दी कोशिश कीती जा रही है। इस दे नाल ही पुलिस ते जिला प्रशासन दी टीम मामले दी जांच कर रही है। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।